न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। इंटरस्टेट बदमाशों के शातिर गैंग पर कैन पुलिस ने कसा शिकंजा, सीओ कैन रोहन प्रमोद बोटरे ने किया खुलासा, दी जानकारी। जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक, लंबित मुकदमों को समय अनुसार निस्तारण के दिए निर्देश। जिला चिकित्सालय में कार का शीशा तोड़कर उचक्कों ने उड़ाया सूटकेस, मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। महिला थाना प्रभारी का सराहनीय कार्य, बिहार से भटककर गोरखपुर पहुंची 16 वर्षीय लड़की के परिजनों से मिलाया, परिजनों ने गोरखपुर पुलिस की सराहना, महिला थाना प्रभारी को दिया धन्यवाद। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत करने तथा वादों का निस्तारण प्राथमिकता है आधार पर करने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इंटरग्रुप कंपटीशन 2019 में एनसीसी गोरखपुर ग्रुप को मिला ओवरऑल प्रथम स्थान, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर जेएस राजपुरोहित पीएचडी ने कैंडिडेटों का स्वागत कर किया उत्साहवर्धन। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुलिस ने बोला गुड मॉर्निंग, दिलाया लोगों को सुरक्षा का एहसास। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पूर्वांचल संग्रहालय के तत्वाधान में 38वें दीक्षांत सप्ताह के अवसर पर धरोहर श्रृंखला के क्रम में एक दिवसीय प्रदर्शनी फोक इंस्ट्रूमेंट एंड सॉज ऑफ पूर्वांचल का किया गया आयोजन। सिद्धार्थनगर में अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियन का खिताब जीतकर लौटी गोरखपुर पुलिस की टीम ने किया एसएसपी से मुलाकात, एसएसपी ने दी विजेता टीम को बधाई, कहा कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक व खेलकूद में भी प्रतिभाग करते हैं पुलिस के जवान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में लव एंगेजमेंट कमिटमेंट वाई टू रीड सोशियोलॉजी विषय पर आयोजित हुआ व्याख्यान, मुख्य अतिथि ने कहा समाज को समझने की चेतना देता है समाज शास्त्र। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने नव निर्मित बने गीडा थाना और रामगढ़ ताल थाने का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर दिया दिशा निर्देश।